बच्चों बात समझ लो अब आपको बताता हूं कोई एग्जाम्पल मैंने ऐसे ही नीट के बच्चों का यहां पे लिया था सेशन यही बात बच्चों से बोली थी बेटा चार मई की रात को पांच मई की रात को छह मई की रात को सात मई का एग्जाम था मैंने ऐसे ही बोला था अब कैसे बच्चे ने मुझको सात मई कुछ जा रहे हैं तो फोन किया सर क्या करे सर रात भर सो ही नहीं पाए सर मैंने वहां जाके सो गए बेटा अगर आपने इसका प्रॉपर ध्यान नहीं रखा मैंने जवाब ये नहीं दिया मन में सोचा उसको वहां पे भी मोटिवेट करना था वहां भी उसको बुस्टअप करना था <laughs> लेकिन ये मत सोचो कुल मिला के जाना तो आपको मेरे को लेके जाओगे नहीं अपने सर को लेके जाओगे किसी भी सर को लेके जा सकते हो क्या अपने सर को लेके जाओगे ना तो इस सर को जरा मार के देखो ढंग से इसका ध्यान रखा नहीं रखा पढ़ाई करने में आपने अच्छी तरह से इसको यूज किया है दिमागी कसरत करी हर उतार चढ़ाव से इसको यूज किया है तो ये सॉलिड तैयार हो चुका है लेकिन जब इसको यूज करना है मैदान जंग में उतरकर वहां आपकी जो रणनीति तैयार हुई है उसमें पूरा खरा उतरना है तो इसको प्रॉपर रेस्ट देना जरूरी है और इसका रेस्ट जितना अच्छा होगा उतना बेस्ट करके आओगे इसलिए मैं कह रहा हूं एक जून को अगर पांच घंटे और उल्टा एक जून को छे घंटे दो जून को सात घंटे तो तीन जून की रात को आठ घंटे जितना ज्यादा सोगे उतना अच्छा करके आओगे पढ़ाई तो हो गई जून का जैसे अगर जुनून चाहते हो जून के पहले दिन से अपना जिद और जुनून चाहते हो तो अपने को सोने के लिए सुकून में ले आओ वरना जो अब तो आपके दो पेपर होते हैं अगर मालूम पड़ा कोई रात बहुत देर तक जग गया इमेजिन करिए उसके साथ दुर्गति क्या होगी जैसे तैसे पहला पेपर तो आंख फाड़ फाड़ करके कर लिया और जो बीच में गैप आया सो प्रैक्टिकल so, बात है रियल बात है यथार्थ है ये बॉडी तो वैसी मशीन नहीं है इसको भी प्रॉपर लुब्रिकेशन चाहिए प्रॉपर रेस्ट चाहिए इसको लगातार यूज ही करते रहे खड़खड़ -खड़ की आएगी बगावत पे आ जाएगा बंद हो जाएगा और इसको पड़ा पड़ा रख दिया तो जंग लग जाएगा लेकिन मैदाने जंग में उतरना है ना इसको जंग लगना चाहिए ना इसकी बगावत होनी चाहिए इसकी पूरी केयरिंग होनी चाहिए और इसके केयरिंग का टाइम क्या आपने इसको बहुत अच्छा यूज कर लिया अच्छी तरह से तैयार कर लिया सॉलिड अब अगर आप इससे रिटर्न चाहते हो तो आपको जितने दिन पास आते जाए उतना रात को ज्यादा सो जोश के साथ सुबह उठो होश के साथ और रात को सो जोश के साथ